नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत ने चीन के 54 एप्लीकेशन को यानी कि ऐप को बैन कर दिया था और चीन बौखला गया था और चीन घुमा फिरा के भारत को धमकी देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पहली बार चीन ने ओपनली बहुत बड़ा धमकी दिया है और भारत को बोला है कि हमें क्या समझ रखे हो, जब मन है आप मेरा ऐप बंद कर देते हो, जब मन है हमारे सेना पे दबाव बोल देते हो, आखिरकार हमें समझ क्या रहे हो। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात यह है भारत ने साफ कर दिया है कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, ये जो लोगों को आंख दिखा के तुम आगे बढ़ रहे थे वो नहीं चलेगा, अब तुम्हें रोका जाएगा। दोस्तों, भारत ने ओपनली चीन का औकात दिखाया है और बड़ी बात यह है दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी और थिंक टैंक, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वहाँ के मीडिया बेशक भारत के खिलाफ रहता है दोस्तों, वहाँ के मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ बोलता भी है, लेकिन वहाँ के मीडिया ओपनली बोलता है कि भाई चीन के मुद्दे पे भारत एकमात्र देश है जो चीन को सही तरीका से उसका औकात दिखाते आ रहा है। भारत पहला देश है जो चीन को अब कहीं भी नहीं छोड़ना चाहता है, हर जगह उसको अटैक कर रहा है। भारत सचमुच में चीन का असली दुश्मन है और चीन को भारत ही खत्म कर सकता है। तो यानी कि जो मीडिया भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है वो भी मीडिया चीन के मुद्दे भारत का समर्थन दे रहा है। मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है और चीन ने क्या कहा है और भारत ने रिप्लाई क्या दिया, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ यारो, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट अवश्य करें। आप लोगों का एक कमेंट, लाइक और शेयर से हमें यकीन होता है। चलो भैया, कई सारे मित्र जिसे ये वीडियो पसंद आता है और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे अलग वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, चीन का ये जो 54 एप्लीकेशन बैन हुआ इस पर क्या तांडव मचा हुआ है और क्यों दुनिया के तमाम मीडिया भारत को सुपर पावर मान रहा है, भारत को असली महाशक्ति मान रहा है और चीन को ख़त्म करने वाला देश मान रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो चीन ने यह कहा कि देखो भारत हमें हल्के में ले रहा है, भारत अब हर दिन कुछ न कुछ ड्रामा खड़ा कर रहा है, हर दिन कोई ना कोई एक्शन ले रहा है। पहले तो भारत ऐसा नहीं करता था, 2017 2018 से पहले ऐसा कहाँ कुछ होता था। अभी तो हर दिन भारत या तो हमें यूएन में घसीटता है या फिर अफ्रीकन कंट्री में घसीटता है या फिर पाकिस्तान में हमें डुबाने का प्रयास करता है। भारत तो हमें आज हर जगह हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हर दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन बैन करता है। भारत हमें हल्के में क्यों ले रहा है, हम चुप है, हम शांति चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, पड़ोसियों से हम भाईचारा चाहते हैं और भारत हमें दबाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, चीन फिर से वही प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, बोला कि भारत वाले हमें हल्के में ना ले, हमारे दोस्ती को आप लोग प्यार दे, इस तरह से एप्लीकेशन बैन कर करके हमें उसका ही नहीं तो हम उसकेंगे तो आप फिर समझ जाइएगा। दोस्तों, चीन ने तो पहला ये कहा, चीन ने दूसरा बात ये कहा कि अब हम रुकने वाले हैं नहीं, अब भारत को हम ले जाएंगे WTO में, वहाँ पे WTO के सामने में भारत को हम पूरी तरह से बदनाम करेंगे कि आखिरकार भारत हमारे साथ चाहता क्या है, भारत आखिरकार युद्ध में क्यों तुलड़ा हुआ है, आखिरकार भारत चीन को उसका क्यों रहा है। अब ये फैसला WTO में ही होगा। और दोस्तों, आप बोलेंगे तो चीन ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिए चीनी मीडिया हो या फिर चीनी थिंक टैंक हो, उन्होंने ओपनली ये बताया है कि उनका जो तमाम मोबाइल कंपनियां हैं या फिर वहां का जो एप्लीकेशन है जो कंपनी बनाती है उसे अब लग रहा है कि अब उसका पता साफ होने वाला है। जी हां दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा भारत में जो भी चीनी मोबाइल कंपनियां हैं, चाहे रियलमी हो, MI हो, रेडमी हो, दोस्तों जो भी है ना, हुवावे कंपनी हो, तमाम मोबाइल कंपनियां भारत पे दोस्तों रेड मारा था, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने वहां पे छापा मारा। और दोस्तों, बड़ी बात यह है हजारों करोड़ रुपया उछला है, यानी कि चीनियों को खासतौर पर दोस्तों कंपनी जो भी ऑफिस है वहाँ पर जा कर रेड मारा है। बड़ी बात यह है चीन को अब लग गया है कि पहले तो मोबाइल एप्लीकेशन का समय था वो चला गया, अब मोबाइल कंपनी भी हमारे यानी कि निकाला जाएगा, यानी कि हमारा चीनी मोबाइल भारत से अब निकला जाएगा, भारत ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। और चीनी लोग को लग रहा है कि भारत ऑलरेडी हुवावे मोबाइल को नहीं बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में 5G का ट्रायल हो रहा था उस समय भारत ने चीन का जो हुवावे उसे न्योता नहीं दिया और चीन इसीलिए बौखलाया हुआ है। चीन को लग रहा है कि अब हमारे मोबाइल कंपनी का अंत आ जाएगा, पहले तो एप्लीकेशन का अंत आया, मोबाइल कंपनी का अंत आएगा। इसलिए दोस्तों, चीन में जो भी चाहे मोबाइल कंपनी का मालिक हो या फिर एप्लीकेशन का मालिक हो, सब शी जिनपिंग पे प्रेशर दे रहा है कि आप भारत को कुछ बोलिए, भारत को समझाइए आखिरकार ये कर क्या रहा है, हर दिन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और दोस्तों, इसलिए चीन इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। आप बोलेंगे तो आखिरकार अब क्या हुआ भैया, अब तो 54 ऐप क्यों बैन किया, पहले हम समझे गलवान घाटी हुआ था, अब क्या हुआ है। दोस्तों, भारत ने साफ कहा है कि देखो हमने जिस एप्लीकेशन को गलवान घाटी टाइम में बैन किया था, जब गलवान घाटी हुआ था
उसके बाद कई सारे एप्लीकेशन फिर से नया नया नाम बन के आ चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन वही है, काम वही करता है, लेकिन उसका जो लोगो है, उसका जो पिक्चर है वो बदल दिया है और उसका नाम थोड़ा बहुत बदल के और भारतीय बाजार में आ गया है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम उस एप्लीकेशन को बैन किए हैं जो यहाँ पे चीटिंग कर रहा था, और दूसरी कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जो डायरेक्ट चीन का नहीं है, यानी कि चीनी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो किसी और देश से भारत में व्यापार कर रहे हैं, यानी कि सिंगापुर में इन्वेस्ट करके सिंगापुर कंपनियां में निवेश करके भारत में व्यापार कर रहे हैं, यानी कि सीधा तौर पे वो चीन का ही कंपनी है लेकिन बोल रहा है कि ये सिंगापुरी कंपनी है, ये कहीं और कंपनी है और भारत को लूटने का प्रयास कर रहा था, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सी, दोस्तों आप जानते हैं सी यानी कि फ्री फायर, आप जानते होंगे हाल ही में भारत में एक गेम बहुत फेमस हुआ फ्री फायर। आप जानते हैं जब पबजी को बैन किया गया था उसके बाद दोस्तों फ्री फायर बहुत हाईलाइट हो गया और फ्री फायर का दोस्तों बच्चे में एडिक्शन लग गया, लोगों दोस्तों दिन रात फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया और वो भी एक चीनी खास रुपये बिजनेसमैन उसे खास रुपये सिंगापुर का दोस्तों उसे ऑनर कर रहा था, तो भारत ने उसे भी बैन किया है और बोला है कि हम चीन का एक भी एप्लीकेशन को भारत में अब आने नहीं देंगे, भारत में चीनियों को भगाया जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया आखिरकार हम लोग अपना ही गेम क्यों नहीं बनाते हैं, आखिरकार हर बार चीन का ही गेम क्यों हाइलाइट होता है, कभी फ्री फायर तो कभी पबजी तो कभी कुछ और। देखिए दोस्तों ये सोचने वाली बात है, भारत आखिरकार इतना विशाल देश है, यहाँ पे इतना जनसंख्या है और भारत का इतिहास कितना पुराना है, भारत में दोस्तों एक से बढ़कर एक कहानी है, एक से बढ़कर एक थीम है। बड़ी बात यह दोस्तों चाहे जापान हो अमेरिका हो वहाँ पे तो थीम नहीं मिलता कि आखिरकार हम गेम कैसे बनाए, किस थीम पे गेम बनाए, दोस्तों भारत में तो हर जगह थीम ही थीम, भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे ना, भारत का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों एक से बढ़कर एक कहानी है, एक से बढ़कर एक राजा है, एक से बढ़कर एक सूर है, योद्धा है, दोस्तों अगर उस पर गेम बने ना तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको 100 साल तक अगर गेम बनाते रहे ना भारत में, अगर लगातार 100 साल तक गेम बनता रहे तभी थीम भारत में ख़त्म नहीं होगा, भारत में तब भी भरमार आइडिया रहेगा थीम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अथाह भंडार है ना, कहीं से आप कोई गेम बना सकते हैं थीम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही पुराना खास रुपये बहुत ही पीछे है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पीछे, यानी कि जापान से साउथ कोरिया से सिंगापुर यहाँ तक कि चाइना से हम लोग बहुत पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा बहुत जो गेम बनता भी है ना वो दोस्तों बिल्कुल ही पुराना मॉडल, यानी कि जो गेम आज से 5 साल पहले चल चुका है उसी टाइप का गेम भारत में आज बनेगा, यानी कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो भारत सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा, गेमिंग इंडस्ट्री पर थोड़ा पैसा लगाना होगा, भारत सरकार को थोड़ा उसे पुश करना ही होना, क्योंकि भविष्य गेम पे है दोस्तों, युवा आजकल गेम में लिप्त हो चुका है, चाहे अमेरिका का यूरोप का हो, अगर गेमिंग इंडस्ट्री संभल गया ना तो कई बिलियन डॉलर कमा सकता है, कई बिलियन डॉलर दोस्तों फायदा हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ सरकार उस पर फोकस भी करे और भारत का जो भी बड़े बड़े गेमिंग कंपनियां है वो एक बार रिस्क ले, दोस्तों भारत की कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसे लगता है कि अगर बड़ा गेम बना लिया और चला नहीं तो क्या हुआ, दोस्तों चीन अगर ये सोचे तो फिर उसका कंपनी आगे बढ़ेगा नहीं, रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे और यही तो व्यापार का नियम है, इसीलिए भारत के तमाम कंपनियों से भी आग्रह होना चाहिए कि आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए और सरकार उसका मदद भी करे, अगर थोड़ा बहुत उसे नुकसान भी होता है तो सरकार उसका भरपाई करे, तब जाके दोस्तों हमारा गेमिंग इंडस्ट्री आगे निकल सकता है और चीन और दुनिया को हम लोग पछाड़ के नंबर 1 बन सकते हैं।